एक और पूरे भारत वर्ष में दीपावली जैसा उत्सव लग रहा है और पूरा देश भगवामय हो गया है। और होगा क्यों नहीं, आखिर बरसों के लंबे इंतजार के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान होंगे। इसी तारतम्य में झाबुआ जिले के मेघनगर में सकल हिंदू समाज द्वारा विशाल भगवा ध्वज यात्रा निकाली गई, जिसकी शुरुआत अति प्राचीन मेघेश्वर महादेव मंदिर से हुई। नन्हे मुन्ने बालक बालिका भगवान राम लक्ष्मण व माता सीता की वेशभूषा में नजर आए। डीजे व ढोल की थाप पर महिलाएं राममय नजर आई, तो वहीं राममय गीतों ने सारे नगर को अयोध्या बना डाला। जय श्री राम के जयकारों की गुंज से सारा वातावरण राममय हो गया। जगह जगह भगवा ध्वज यात्रा का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। वहीं महिलाएं रंग बिरंगी एक जैसी पोशाक में नजर आई। राम भक्तों में जमकर आतिशबाजी कर राम उत्सव मनाया। और बहुत अच्छी आयोजन था। शोभा यात्रा में बहुत मजा आया। आतिशबाजी ढोल नगाड़ों के द्वारा हाथ में भगवा ध्वज लिए पूरे नगर में भ्रमण करके शंकर मंदिर से शुरू होकर वापस शंकर मंदिर पर समापन। जय श्री राम। भाजपा जनरल प्रभु श्री राम जी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर आज नगर में शंकर मंदिर से भगवा ध्वज यात्रा प्रारंभ हुई है, जो यात्रा अपने नगर के मुख्य मार्गों से निकली है। और यात्रा में काफ़ी बढ़ चढ़ के महिलाओं ने भी भाग लिया और नगर में जगह जगह स्वागत किया और यात्रा समापन अपने शंकर मंदिर पर की गई है।